हेलो फ्रेंड्स, बिजनेस लॉ के अंदर नेगोशिएबल एक्ट के अंदर जो हमारा टॉपिक है, डैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बिल ऑफ एक्सचेंज एंड चेक। सबसे पहले हम बिल ऑफ एक्सचेंज का अर्थ देखेंगे, फिर उसके फीचर्स देखेंगे, फिर चेक का मतलब देखेंगे और चेक के फीचर्स, फिर उसके बाद क्या है कि हम उन दोनों के अंदर डिफरेंस को स्टडी करेंगे। देखो, जो सेक्शन 5 है ये बिल ऑफ एक्सचेंज को डिफाइन करता है। ये कहता है कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो रिटर्न फॉर्म के अंदर है और जिसके अंदर क्या है, अनकंडीशनल ऑर्डर होती है और ये मेकर के द्वारा साइंड होता है। मेकर जो है डायरेक्शन देता है कि एक जिसके अंदर सर्टन पर्सन को कहा जाता है कि आपने सर्टन सम ऑफ मनी जो है पे करनी है सर्टन पर्सन को या उसकी ऑर्डर के मुताबिक। तो देखो, बिल ऑफ एक्सचेंज जो है रिटन फॉर्म में होना चाहिए, इट शुड बी इन राइटिंग, और इसके अंदर क्या है कि अनकंडीशनल ऑर्डर, बिना शर्तों के ऑर्डर होना चाहिए और इट इज़ साइंड बाय द मेकर। और यहाँ पे 3 पार्टीज होती हैं। देखो, एक ड्रॉयर होता है, एक ड्रॉई होता है, एक पेई होता है। ड्रॉयर होते हैं जो कि ड्रॉई के ऊपर बिल ऑफ एक्सचेंज लिखता है, ड्रॉई उसको एक्सेप्ट कर लेता है। पेई जो है जिसको पेमेंट की जाती है, जैसे ए जो है बी को क्रेडिट पे माल जो है सेल करता है, तो इस सिचुएशन के अंदर ए ने बी से पैसे लेने हैं। तो यहाँ पे ए जो है ड्रॉयर है वो बी के ऊपर बिल ऑफ एक्सचेंज लिखता है, बी जो है उसको एक्सेप्ट कर लेता है, बी जो है ड्रॉई है। तो नेचुरली बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर क्या होता है कि वहाँ पे डायरेक्शन होती है कि सर्टन सम ऑफ मनी जो है सर्टन डेट पे सर्टन पर्सन को या उसके ऑर्डर के मुताबिक पे करनी है। तो ड्रायर एंड पे जो है सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। और यहाँ पे जो ऑर्डर होता है वो सिर्फ मनी और मनी के साथ ही होना चाहिए, और मनी के साथ कुछ वेगनेस नहीं होनी चाहिए, स्पेसिफिक सम होना चाहिए। और इसके अंदर जो डेट, कंसीडरेशन एंड स्टेप की फॉर्मेलिटीज़ है वो भी कम्प्लीट होनी चाहिए। अब हम देखते हैं चेक जो है। देखो, इसको सेक्शन 6 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट डील करता है। चेक भी जो है बिल ऑफ एक्सचेंज है, लेकिन ये एक स्पेसिफाइड बैंकर के ऊपर ड्रॉ किया जाता है। नेचुरली जिस बैंक के अंदर हमारा खाता होता है वहाँ से हमें चेक बुक मिलती है, तो यहाँ पे जो चेक है स्पेसिफाइड बैंकर के ऊपर जो है हम ड्रॉ करते हैं। और यहाँ पे जो चेक होता है इट इज़ ऑलवेज पेबल ऑन डिमांड। जैसे बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर क्या होता है कि 3 डेज का ग्रेस होता है, लेकिन इसके अंदर ये हमेशा जो बिल ऑफ एक्सचेंज है यूसेंस पे भी हो सकते हैं, लेकिन चेक जो होता है हमेशा डिमांड पे पेबल होता है। और देखो, जो चेक की डेफिनेशन है उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक इमेज भी इंक्लूडेड होती है, और ट्रंकेटेड चेक की जो इलेक्ट्रॉनिक इमेज होती है वो भी इंक्लूड होती है। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो चेक इन द इलेक्ट्रॉनिक इमेज का मतलब होता है कि जिसके अंदर पेपर चेक जैसा ही होता है, और ये जो है इलेक्ट्रॉनिक चेक होता है जिसको डिजिटल सिग्नेचर के द्वारा जो है साइन किया जाता है। टर्नकेटेड चेक होता है कि बेसिकली जब क्लियरिंग साइकिल के अंदर क्या होता है कि जो फिजिकल चेक है उसको इलेक्ट्रॉनिक चेक के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है, ताकि जो दूसरी ब्रांचेस को जाना है क्लियरिंग के लिए, तो वहाँ पे क्योंकि फिजिकल के द्वारा मूवमेंट जो होती है फास्ट नहीं होती, तो जब उसको इलेक्ट्रॉनिक इमेज के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है तो उसकी मूवमेंट जो है फास्ट हो जाती है। अब हम देखते हैं कि जो चेक है, नेचुरली ये बिल ऑफ एक्सचेंज है और ये हमेशा जो है पर्टिकुलर बैंकर पे या बैंक के ऊपर ड्रॉ किया जाता है, और ये हमेशा डिमांड के ऊपर पेबल होता है, इट इज़ साइंड बाय द मेकर। और यहाँ पे ये भी अनकंडीशनल ऑर्डर होता है, और यहाँ पे जो पर्सन है जिसका बैंक के अंदर अकाउंट होता है वही जो चेक है वो अपने पर्टिकुलर बैंक के ऊपर जो है ड्रॉ कर सकता है, और ये है प्री भी हो सकता है, पोस्ट डेटेड भी हो सकता है। और व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन चेक। देखो, यहाँ पे जो चेक होता है जैसे मैंने आपको बताया कि इट इज़ ऑलवेज ड्रॉन ऑन ए बैंक और ए बैंकर। लेकिन जो बिल ऑफ एक्सचेंज है इसके अंदर 3 पार्टीज होती हैं, ड्रॉयर होता है, ड्रॉई होता है एंड पेई होता है। तो यहाँ पे किसी भी बंदे के ऊपर जो है ड्रॉ किया जा सकता है, इवन बैंकर के ऊपर भी ड्रॉ किया जा सकता है। देखो, जो बिल ऑफ एक्सचेंज है इसके अंदर एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ड्रॉयर जो है ड्रॉई के ऊपर बिल ऑफ एक्सचेंज लिखता है, जब ड्रॉई उसको एक्सेप्ट कर लेता है तब ये वैलिड बिल ऑफ एक्सचेंज बनता है। लेकिन चेक के अंदर क्या है, कोई एक्सेप्टेंस नहीं होती, और चेक जो होता है डिमांड के अंदर
इमीजिएटली पेबल होता है, इसके अंदर कोई ग्रेस पीरियड नहीं होते। लेकिन जो बिल ऑफ एक्सचेंज है ये ऑन द साइट भी हो सकता है, यूसेंस भी हो सकता है। ऑन द साइट के अंदर क्या होता है कि 3 डेज की ग्रेस होती है, और यहाँ पे चेक की सेफ्टी के लिए क्या होता है क्रॉसिंग की जा सकती है, लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर ऐसी कोई प्रोविज़न नहीं होती। और उसी तरह क्या है कि जब चेक डिसऑनर होता है तो नोटिस देने की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर जो है नोटिस ऑफ डिसऑनर देना ज़रूरी होता है, उसकी नोटिंग एंड प्रोटेस्टिंग करान भी करवाई जा सकती है। और यहाँ पे देखो जो चेक है ये बेरर भी हो सकता है, लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज जो है बेरर नहीं हो सकता। और देखो चेक के अंदर कोई स्टैंप वगैरह जो है ड्यूटी नहीं होती, लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर स्टैंपिंग ज़रूरी होती है। और चेक को क्या है कि हम जैसे मैं सपोज कर लो हमने बैंक चेक किसी पार्टी को दिया है, तो बाद में हम अपने बैंक को इंस्ट्रक्शंस भी दे सकते हैं कि इसकी पेमेंट जो है कैंसिल करनी है या नहीं करनी है, लेकिन जो बिल ऑफ एक्सचेंज है वहाँ पे हम स्टॉप नहीं कर सकते। और देखो जब बिल ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर होता है तो उसकी नोटिंग एंड प्रोटेस्टिंग करानी मतलब नोटिंग एंड प्रोटेस्टिंग करानी जो होती है ज़्यादा मतलब ज़रूरी होती है, लेकिन चेक के केस में नहीं। और उसी तरह क्या होता है कि चेक जो है जैसे हमने किसी पार्टी को चेक दिया है, अगर वो प्रेजेंट नहीं कर पाता जो स्पेसिफाइड पीरियड होता है तो वहाँ पे हम अपनी लायबिलिटी से डिस्चार्ज नहीं होते। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि ड्यूली प्रेजेंटिंग ज़रूरी होती है, और अगर वो प्रेजेंट नहीं किया जाता तो पार्टी जो है डिस्चार्ज हो जाती है। और उसी तरह क्या है कि कुछ सिचुएशंस के अंदर जो है बैंकर को स्पेसिफिक प्रोटेक्शंस दी गई हैं, लेकिन ऐसी कोई प्रोटेक्शन जो है बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर नहीं।